हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, ये पार्ट टू है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि भगवान राम जी का जो यहाँ पर आपको फेस दिख रहा है, जो भी स्किन पार्ट है, सो कैसे कलर करना है। एंड इस वीडियो में बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाली हूँ, वो भी एक बिल्कुल सच्चा कलर पेंसिल से, जो कि है डोम्स कलर पेंसिल। एंड ये इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा एंड इसका प्राइस जस्ट 100 रुपीज़ है। तो इस वीडियो में आपको डोम्स कलर पेंसिल से सिखाऊंगी कैसे कलर करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट आप बना पाओगे। तो वीडियो गाइस पूरी देखना। एंड अभी जो आपको यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है भगवान राम जी का, इसका मैंने ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर दी हूँ, जो कि पार्ट वन है एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी चाहते हो ड्रॉ करना राम जी को, आप वो वीडियो देखना एंड ड्रॉ कर लेना। एंड यहाँ पे मैं लाइक टारगेट रखी हूँ 200, जिसको आप कंप्लीट कर दोगे तो मैं पार्ट 3 अपलोड कर दूंगी, जिसमें कि आप भगवान राम जी का ज्वेलरी पार्ट ड्रॉ करना सीखोगे। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगी जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड हो सके तो शेयर कर देना, ताकि और भी जो बनाना चाहते हैं भगवान राम जी को, वो भी कर सके। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, अभी कुछ काफी सारे बिगनर आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो जो भी हम लोग ग्रिड मेथड से आउटलाइन बनाए थे, उस ग्रिड लाइंस को इरेज कर लेना। यहाँ मैं नॉर्मल इरेजर यूज की थी, उसके बाद मैं यहाँ पे निडेबल इरेजर यूज की थी एंड सिंपली जो भी मतलब एक्स्ट्रा ग्रेफाइट है पेपर पे, उस पे राउंड राउंड करके मैं सब कुछ रिमूव कर ली। क्योंकि गाइज, यहाँ पे हम लोग कलर पेंसिल ड्रॉइंग करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे ग्रेफाइट का हमको नीड नहीं है, तो उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। इतना कर लेना है कि आपको बस आउटलाइन दिख जाए। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं भगवान राम जी को यहाँ पे कलर करने वाली हूँ डोम्स कलर पेंसिल से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डोम्स कलर पेंसिल है, 100 रुपीज़ में आता है, 24 शेड्स हमको मिल जाते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा पेंसिल है बिगनर के लिए एंड मैं तो अभी तक यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है डोम्स कलर पेंसिल, इसे काफ़ी अच्छा बन जाता है। एंड देख सकते हो काफ़ी सारे इसमें शेड्स अवेलेबल हैं एंड मैं इन्हीं का यूज़ करके कम्प्लीट भगवान राम जी का ड्रॉइंग करने वाली हूँ एंड आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो पूरी देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस, अभी काफ़ी सारे बिगिनर गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट कलर करना स्टार्ट कर देते हैं अपने हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सा शेड यूज होने वाला है, और शेडो को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहाँ पे शेडो है, कहाँ पे लाइट है, कहाँ पे मिड टोन है, कौन कौन सा बेसिकली शेड यूज होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चिक्स पे रेड यूज हुआ है, लिप्स पे कौन सा शेड यूज हुआ है, आईज पे कौन सा यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कलर को पहले ही सेलेक्ट करके रख लेना है साइड में इस तरीके से। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फेस पार्ट से। तो यहाँ मैं सबसे पहले ले ली हूँ डोम्स का लाइट ब्राउन शेड। बेसिकली हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड को यूज करना है एज अ आउटलाइन। जो यहाँ पेंसिल से हमने आउटलाइन बनाए हैं, उसे हमें फिर से बना लेना है इस शेड से, और साथ ही साथ जहाँ पे शैडो आता है, जैसे कि हेड वाले पार्ट पे, पोर्शन पे, ईयर्स पे, आईज के कॉर्नर्स पे एंड नोज़ के पास, जहाँ जहाँ शैडो आता है ना, उससे हमें हल्का हल्का शेड कर लेना है, ताकि हमें आसानी हो कलर करने में। और आपको रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके ये चीज़ पता करना है कि कहाँ पर शैडो है, कहाँ पर लाइट पार्ट है, तो अच्छे से ऑब्जर्व करके करना है। देन हमें इरेजर की हेल्प से हल्का सा इरेज कर लेना है, और देन हम ऐड करेंगे सेकंड लेयर, जो कि है स्किन टोन का। एंड यहाँ पर मैं डोम्स कलर पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पर शेड है स्किन टोन का, पिच शेड भी कह सकते हो। तो इससे हम लोग सिंपली लेयर ऐड कर लेंगे, हर जगह मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट पार्ट है फेस पे, जहाँ पे लाइट आ रहा है ना, वहाँ मैं बिल्कुल लाइटली ऐड कर रही हूँ लेयर। एंड जहाँ पे हल्का डार्क है, वहाँ पे मैं कम्प्लीटली थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके लेयर ऐड कर रही हूँ इस स्किन टोन से। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इस वाले एरिया पे कितना प्रेशर अप्लाई करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है इसमें। अगर आप वो कर पाओगे प्रैक्टिस, तो आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे शेडिंग। जैसे कि यहाँ पे चिक्स एरियाज है एंड आई का जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा लाइट है, या कह लो हाइलाइटेड पार्ट है, तो वहाँ पे हमें पूरा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली लेयर ऐड करना है। अगर आपको पेंसिल पे कंट्रोल करना आता है कहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करना है, अगर आता है तो आप काफ़ी अच्छा कलर पेंसिल ड्राइंग कर सकते हो।
केवल आप एक कलर पेंसिल का यूज़ करके ये कंप्लीट आर्टवर्क बना सकते हो, हाइलाइटेड पार्ट कर सकते हो, शैडो वाला पार्ट कर सकते हो और मिड टोन वाला पार्ट कर सकते हो। बस आपका पेंसिल पे कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड लेयर ऐड कर लेने के बाद थर्ड लेयर मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ एंड जहाँ पे एक्स्ट्रा शैडो है, जैसे कि फोरहेड वाला पार्ट है, बेसिकली एक साइड यहाँ पे अगर देखोगे तो आप शैडो है और दूसरा वाला पार्ट पे लाइट है, तो जहाँ पे शैडो है वहाँ पे हमें ब्राउन को ऐड कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर पेंसिल डोम्स का, और क्योंकि यहाँ पे तीन लेयर अप्लाई मैं कर चुकी हूँ तो यहाँ पे ब्लेंडिंग हो जा रहा है अच्छा खासा, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा लेयर ऐड करोगे ना, आपको उतना अच्छा ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा। तो बस ब्लेंड कर लेने के बाद यहाँ पे अगेन जो शैडो वाला पार्ट है ना, वहाँ पे अगेन मैं ब्राउन यूज़ करी थी एंड स्किन टोन से ब्लेंड कर दी थी। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर ऐड करते जाना जब तक आपको बिल्कुल परफेक्ट स्किन शेड ना मिल जाए आपके भगवान राम जी पे। तो इस तरीके से कर लेने के बाद अगर आप रेफरेंस पिक्चर देखोगे तो चिक्स वाले एरियाज पे एंड नोज वाले पार्ट पे, आई वाले पार्ट पे थोड़ा सा रेडनेस है। तो रेडनेस को बनाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली रेड कलर यूज़ करी थी एंड इस तरीके से चिक्स वाले पार्ट पे ऐड करके अच्छे तरीके से मैं ब्लेंड कर दी थी। तो जहाँ जहाँ भी हमें यूज़ करना है, जो जो शेड रेफरेंस पिक्चर रिकॉर्डिंग हमें यूज़ कर लेना है, मैं फोरहेड वाले पार्ट पे भी यूज़ कर रही हूँ रेड को एंड यहाँ पे ऐसे तरीके से कर लेना है। जहाँ पे शैडो है वहाँ पे ऐसे तरीके से शैडो दिखाना है, जहाँ लाइट पार्ट है वहाँ पे लाइट दिखाना है। नेक्स्ट यहाँ टीका वाला पार्ट कर लेंगे। तो कम्प्लीटली यहाँ पे जो पीस का डिज़ाइन है वो रेड था, तो यहाँ पे मैं रेड सिंपली अप्लाई कर दी हूँ, थोड़ा शैडो दिखाई हूँ ताकि थोड़ा रियल लगे दिखने में। एंड भगवान राम जी का जो आई वॉल है वो ऑरेंज और ब्राउन में था, तो यहाँ मैं ऑरेंज और ब्राउन यूज़ करके अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दी हूँ। एंड फेस थोड़ा सा वार्म था तो यहाँ पे फेस पे ऑरेंज भी ऐड कर रही हूँ एंड जहाँ एक्स्ट्रा हाईलाइट है वहाँ पे मैं वाइट कलर से फिर से एक लेयर अप्लाई कर दी हूँ, जो कि आप देख सकते हो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एंड अभी आइस पार्ट करेंगे एंड आइस का जो इनर वाला पार्ट होता है वो कम्प्लीटली वाइट नहीं होता है, उसमें रेड होता है, उसमें ब्लू होता है। तो उस तरीके से लेयर अप्लाई करना है एंड धीरे धीरे इसी तरीके से हम आइस को भी बना लेंगे। तो यहाँ रेफरेंस पिक्चर को ध्यान रखते हुए बनाएंगे। जो आई लैसेस है, जो आई शैडो है ऊपर का रेड में था, इसलिए मैं रेड अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा रेड ऑरेंज टाइप का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो पाया है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आई होप। तो आई लैसेस वगैरह भी बना लेंगे एंड जो इनर वाला पार्ट है उसमें काजल ऐड करेंगे एंड इसी तरीके से हमारा जो आईज पार्ट है ना भगवान राम जी का, आप देख सकते हो कंप्लीट हो गया है। बट इस पर हाईलाइट अभी करना बाकी है। तो हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी हाईलाइटिंग टूल यूज़ कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे एक्रेलिक पेंट यूज़ करती हूँ, तो उससे काफ़ी ईजिली हो जाता है, अच्छा भी लगता है देखने में। एंड यहाँ पे आइस पार्ट भी हो चुका है एंड जो हाईलाइट ऐड हुआ है उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। बट यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे डार्क चाहिए था, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डोम्स का ब्रश पेन। यहाँ पे आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, उससे थोड़ा और डार्क दिखता है तो अच्छा लगता है देखने में। एंड जो टीका है एंड जो चीक एरिया है वहाँ पे मैं रेड अप्लाई कर रही हूँ हल्का सा, ताकि और पिगमेंटेड लगे देखने में। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। और अभी लिप्स पार्ट भी कर लेंगे। तो पहले मैं पिंक अप्लाई करी थी कलर पेंसिल से, देन मैं रेड अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे। बस यहाँ पे आप देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे कलर को अप्लाई कर रही हूँ, कौन सा शेड यूज़ कर रही हूँ एंड आप भी काफ़ी ईजिली कर पाओगे। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो लिप्स पार्ट भी हो चुका है। लिप्स के कॉर्नर पे ब्लैक अप्लाई करेंगे एंड जो हाईलाइट है उसको दे देंगे। तो इस तरीके से जो लिप्स पार्ट है वो भी हो चुका है और अभी हम लोग हेयर पार्ट भी बना लेंगे। तो यहाँ पे जो भगवान राम जी का हेयर था वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्लैक था और हल्का फुल्का थोड़ा सा कर्ल्ड हेयर था, मतलब कि जो इस तरीके का वेव वाला हेयर होता है वो था। और यहाँ पे मैं सिंपली पहले ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छी तरीके से देन ब्लेंड करती थी ब्राउन कलर पेंसिल से। सिंपली यहाँ मैं दो शेड ही यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन, और उसे सिंपली इस तरीके से मैं बना दी हूँ। तो अभी पहले हेयर बाद में कर लेंगे, पहले जो नेक पार्ट है ना उसको हम लोग बना लेते हैं। तो जैसे हमने फेस पार्ट करा है सेम वही प्रोसेस, वही टेक्निक को यूज़ करके हम लोग नेक पार्ट भी कर लेंगे।
नेक एरिया कर लेने के बाद अब करेंगे हेयर पार्ट को। तो भगवान राम जी का जो हेयर है वो कर लिया है, तो यहाँ पे सिंपली दो ही कलर यूज़ हुआ है जो कि है ब्राउन का एंड ब्लैक का। तो इन दोनों कलर पेंसिल को यूज़ करके ही हमें भगवान राम जी का जो कर्ली हेयर है वो हमें कर लेना है। तो जो आगे से जो कर्ली जहाँ पे है ना वहाँ पे मैं ब्राउन कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, एंड जो पीछे की तरफ है वहाँ पे मैं ब्लैक कलर पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक कलर पेंसिल है वो शैडो को दिखा रहा है एंड जो ब्राउन कलर पेंसिल है वो लाइट को दिखा रहा है। तो इस तरीके से सिंपली यहाँ पे कलर कर देना है, इसमें कोई भी ज़्यादा हमें यहाँ पे डिटेल वगैरह ऐड करना है नहीं। सिंपली ब्लैक और ब्राउन कलर पेंसिल को यूज़ करके इस तरीके से कर लेना है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट यहाँ जो ज्वेलरी है, इयर रिंग है, उस पर हाईलाइट ऐड करना था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, तो इसे काफ़ी ईजिली हाईलाइट ऐड कर सकते हैं। और हेयर पे भी हाईलाइट को ऐड कर लेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट एक्रेलिक कलर, एंड सिंपली इस तरीके से जो डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं अपने हर एक पेंटिंग में करती हूँ, ड्राइंग में करती हूँ, तो इससे काफ़ी मेरा जो आर्टवर्क है ना यूनिक सा लगता है। और एक तरीके से ये मेरा एक स्टाइल हो गया मेरे ड्राइंग्स का, जो कि आपको मेरे हर एक ड्राइंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड जैसे हमने ना फेस पार्ट को करा है, नेक पार्ट को करा है ना, उसी तरीके से जो बाकी का पार्ट है ना वो भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर पेंसिल, एंड उससे मैं लेयर अप्लाई करती हूँ। ब्राउन कलर पेंसिल आपको देखोगे तो डार्क शेड होता है, इसको जहाँ पे शेडो अप्लाई करना है ना वहाँ पे इसे यूज़ करना है, ये हमारा फर्स्ट लेयर हो जाएगा। और सेकेंड लेयर में हमें अप्लाई करना है स्किन टोन, एंड इसको ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हमें प्रेशर के साथ अप्लाई कर लेना है क्योंकि बॉडी थोड़ा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू फेस। तो जहाँ पे बिल्कुल डार्क है वहाँ पे बिल्कुल प्रेशर के साथ हम लोग अप्लाई कर लेंगे, एंड जहाँ पे लाइट आ रही है, लाइटेड पार्ट है, जैसे कि आप देखोगे हैंड पे तो वहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है, साइन कर रहा है, तो वहाँ पे बिल्कुल लाइटली दिखाना है। एंड इतना कर लेने के बाद अगेन हम लोग ऐड करेंगे थर्ड लेयर में अगेन ब्राउन। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई, फेस से अगर कंपेयर करें तो बॉडी हल्का सा डार्क होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डार्क हमें बनाना है, या तो आप कह लो फेस के तरह ही बनाना है। तो इसलिए थोड़ा शैडो ज़्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन कलर पेंसिल यूज़ करना है। तो ब्राउन से एक लेयर अप्लाई अगेन कर लेने के बाद स्किन टोन शेड से मैं ब्लेंड कर दी थी, एंड लास्ट में जैसे कि हमने फेस पे वार्म को दिखाया था तो उसी तरीके से बॉडी पे भी दिखाना है। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ कर लूँगी लाइट ऑरेंज शेड, डोम्स कलर पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक लेयर अप्लाई कर देंगे हल्का सा बॉडी पे, ताकि थोड़ा वार्म दिखे, फेस की तरह मैच करे स्किन टोन। तो इस तरीके से जो भगवान राम जी का फेस पार्ट है, हेयर पार्ट है, एंड जो बॉडी पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है, और जो हैंड पार्ट बचा है उसी तरीके से कर लेना है, सेम प्रोसेस है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पार्ट टू था जिसमें कि जो स्किन टोन है, मतलब कि जो फेस कह लो आप और जो बॉडी पार्ट है, जो हेयर पार्ट है, वो मैं आपको सिखाई हूँ कैसे कलर करना है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। पार्ट थ्री भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी गाइस, जिसमें कि मैं आपको जो ज्वेलरी पार्ट है या फिर जो भी बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको उस वीडियो में सिखाऊँगी, यानी कि पार्ट थ्री में। तो बस अगर आप चैनल पर न्यू, चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप वीडियो को देख सको। और मैं मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।